I'm Dr. Neeru Pathak, Principal, DPS Ajmer Tabiji, and I wish a very, very happy Deepavali to all the Ajmer. Shri Kuvera Collection ki taraf se sabhi Ajmer Shahar vaasiyon ko Diwali ki hardik shubhkamnaen. मैं अनुज अग्रवाल अजमेर तनिष्क शोरूम से अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष्क की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। एमबी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। तो हमें आधार कार्ड का एड्रेस चेंज करवाना था, तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन सर्च किया था इसके लिए। तो हमें हमारी एक आदमी से बात हुई थी इस सिलसिले में, तो उन्होंने कहा था कि हमें 10 रुपीज़ का पेमेंट करना है ऑनलाइन। तो उन्होंने हमें एक लिंक सेंड की थी, फिर उन्होंने कहा था कि वो लिंक हमें दूसरे नंबर पर सेंड करनी है, और फिर उन्हें हमें तीसरे नंबर से हमें वापस एक लिंक आई थी जिसमें हमें पेमेंट करना था। तो हमने उसमें 10 रुपीज़ का पेमेंट किया UPI भीम ऐप के थ्रू, और फिर बाद में हमें पता चला कि हमारे अकाउंट में से सारे पैसे निकल चुके हैं। मेरा इंडसइंड बैंक में अकाउंट है, तो हमें मतलब अराउंड 1.5 घंटे बाद मैसेज आया कि हमारे अकाउंट में से सारे पैसे निकल चुके हैं इस बारे में। और मतलब हमें थोड़ा सा डाउट आया था कि शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने पहले चेक कर लिया था ऐप में। तो हम लोगों ने जल्दी से जल्दी आके सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में इसके बारे में कंप्लेंट लिखवाई थी। कितने पैसे निकले? 43,000 रुपीज़ निकले थे। कहाँ रहते हैं आप? हम लोग ARG सिटी नासिक अजमेर में रहते हैं। आपका नाम बताओ? रिया अतुल शर्मा। हमारे पास एक फरियादी आई हैं, रिया अतुल शर्मा, ARG सिटी में रहती हैं। उन्होंने बताया है कि दिनांक 17 को उनके द्वारा एक आधार कार्ड का अपना पता चेंज करवाया जा रहा था। उस दरमियान उनके पास एक लिंक आया, उस लिंक पर जैसे ही उन्होंने क्लिक किया, उन्हें कहा कि आपका 10 रुपये इसका लगेगा। तो जैसे ही उन्होंने अपने अकाउंट से भीम ऐप से पैसा ट्रांसफ़र किया, उस अकाउंट से लगभग 43,000 रुपये, एक बार 6,000 रुपये, एक बार 4,000, 3,000, ऐसे करके लगभग 43,000 रुपये उनके कट गए। उन्होंने हमें रिपोर्ट दी है इस बाबत, हमने प्रकरण दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है उसका।